नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर लेक्चर नंबर 54 यानी 54वां आज लेक्चर अपने करने जा रहे हैं, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के सिलेबस के अंदर ऐड है या उसके अंदर ये यूनिवर्सिटी के नियम के अनुसार पढ़ना है अपने को। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था फर्टिलाइजेशन निषेचन चल रहा था अपना टॉपिक, जो अब देखिएगा। निषेचन के लिए मैंने आपको परिभाषाएं बताई थी कि निषेचन जो होता है वो नर व मादा युग्मकों का संलयन और जो प्रोन्यूक्लियाइस हैं या जो पराग केंद्रक हैं उनका भी आपस में क्या होता है, संलयन होता है। और ये जो निषेचन की क्रिया है इसके द्वारा फिर जायगोट बनता है और जायगोट से फिर आगे पूरे एक नए शरीर का निर्माण होता है, इसलिए निषेचन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब कल अपने जो एक चीज़ डिस्कस की थी कि जो निषेचन के लिए बेसिक नीड्स होती हैं या बेसिक नीड्स ऑफ जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या क्या है, तो आपको बताया था कि सबसे पहली बात तो निषेचन के लिए माध्यम कैसा होना चाहिए, तरल माध्यम होना चाहिए। तरल माध्यम होना चाहिए तो उसके लिए मैंने कल बताया था आपको कि तरल माध्यम होने से क्या है कि जो शुक्राणु हैं वो या जो युग्मक हैं, चाहे अंडाणु हो चाहे शुक्राणु, पर खासकर हम यहाँ शुक्राणु की बात करेंगे, वो आसानी से मूवमेंट कर सकता है, गति कर सकता है अपनी पूंछ की सहायता से, तरल माध्यम होने से। और इसके लिए तरल माध्यम के लिए भी आपको बताया था कि तरल माध्यम जो जलीय जंतु होते हैं उनके अंदर जल होता है और जो बाहरी निषेचन करने वाले जंतु जो कि जल के अंदर करते हैं उनके अंदर जल होता है, और जो आंतरिक निषेचन करने वाले जंतु होते हैं उनके अंदर जो है निषेचन जो तरल माध्यम जो होता है उसका दैहिक तरल होता है। जैसे मैंने बताया था मनुष्य के अंदर सीमन की हम बात करें या ऊपर ग्लैंड के द्वारा स्रावित कोई भी एक म्यूकस टाइप स्ट्रक्चर है, संरचना है, तो वो सारे तरल माध्यम होते हैं। दूसरी कंडीशन आपको बताई थी कि जो युग्मक है उनका जीवन काल बहुत कम होता है, अतः निषेचन जल्दी हो जाना चाहिए या युग्मकों का संलयन जल्दी हो जाना चाहिए। ये बात भी सही है कि प्रत्येक जंतु के अंदर जो युग्मक छोड़े जाते हैं उनका जीवन काल बहुत कम होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चाहे आंतरिक निषेचन करने वाले जंतु हैं चाहे बाह्य निषेचन करने वाले जंतु हैं, और खासकर जो बाह्य निषेचन करने वाले जंतु हैं उनको जो यूँ कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल कंडीशन है उनका अधिक सामना करना पड़ता है। जैसे जल की पीएच है, जल का तापमान है, उसके अलावा जो परभक्षी जंतु है, या कई बार क्या होता है कि पानी का भाव इस प्रकार हो सकता है कि जो युग्मक हैं वो दूर दूर चले जाते हैं, तो इन सब कारणों से निषेचन होने की प्रोबेबिलिटीज़ भी कम हो जाती है। तो ऐसा न हो इसके लिए क्या हो कि जैसे युग्मक शरीर से बाहर छोड़े जाएं या शरीर के अंदर भी छोड़े जाएं तो वो उनके जीवन अवधि को देखते हुए या उनको इन्वायरमेंटल कंडीशन को देखते हुए उनका निषेचन जल्दी होना क्या है, आवश्यक है। और तीसरी बात जो आपको बताई थी कि जो निषेचन के लिए ये भी है कि जो युग्मक है नंबर ऑफ गैमेट्स है उनकी संख्या अधिक होनी चाहिए। गैमेट्स की संख्या अधिक होने का और साथ में गैमेट्स में भी शुक्राणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि शुक्राणु और अंडाणु में से हमने कल बात की थी कि शुक्राणु पूंछ युक्त लंबी बेलनाकार संरचना होती है, गतिशील संरचना होती है, जबकि अंडाणु जो होते हैं वो अचल बड़ी संरचनाएँ होती हैं। तो क्या होता है कि शुक्राणु संख्या में ज़्यादा होंगे और गतिशील होंगे तो वो अंडे तक आसानी से पहुँच जाएंगे। तो ये तीनों ही कंडीशन जो है वो बेसिक नीड्स होती है किसके, फर्टिलाइजेशन की। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के प्रकार। टाइप्स ऑफ निषेचन के प्रकार। निषेचन के प्रकार की यदि हम बात करें तो निषेचन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है बाह्य निषेचन और दूसरा कौन सा होता है, आंतरिक निषेचन। अब बाह्य निषेचन की यदि हम बात करें तो परिभाषा क्या है, कि जब निषेचन की क्रिया जो है वो माता के शरीर से बाहर, या यूँ कहते हैं कि निषेचन जब जंतु के शरीर से बाहर होता है उनसे बाह्य निषेचन कहते हैं। और ये निषेचन मोस्टली कहाँ पर पाया जाता है? जल के अंदर पाया जाता है, या जलीय जंतुओं के अंदर ये पाया जाता है। आंतरिक निषेचन की यदि हम बात करें तो आंतरिक निषेचन जो है वो शरीर के अंदर होता है, और खासकर मादा के शरीर के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है कि नर के द्वारा शुक्राणु में मादा की योनि में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, और फिर वो शुक्राणु जो है आगे अंडाणु तक पूंछ की सहायता से गति करते हुए अंडाणु तक पहुंचते हैं, फैलोपियन ट्यूब में वहाँ पर निषेचन की क्रिया को पूरा करते हैं। अब हम बात करते हैं बाह्य निषेचन की बात। अब बाह्य निषेचन को दो भागों में बांटा जाता है, शौच जलीय बाह्य निषेचन और समुद्र जलीय बाह्य निषेचन। शौच जलीय बाह्य निषेचन और दूसरा कौन सा है? समुद्र जलीय बाह्य निषेचन। और शौच जलीय की यदि हम बात करें तो एलवणीय जल के अंदर पाए जाने वाला निषेचन क्या कहलाता है? बाह्य शौच जलीय बाह्य निषेचन कहलाता है। अब देखिएगा इसके अंदर क्या होता है कि इन प्राणियों के अंदर क्या होता है कि शुक्राणु की जो जीवन अवधि होती है, खासकर जैसे अपने बात करें मछलियाँ हैं, उभयचर है, एक जो जलीय एक स्वरूप की प्राणी हैं उनकी यहाँ पर हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि शुक्राणुओं का जीवन काल जो होता है वो बहुत कम होता है। तो शुक्राणुओं का जीवन काल कम होने के कारण इसका मतलब ये हुआ कि यदि निषेचन तुरंत नहीं होगा तो जो है निषेचन की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं जंतु कि शुक्राणुओं को सीधे ही क्या करते हैं अंडों के ऊपर छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि निषेचन जो है वो तुरंत हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? मछलियाँ हैं, उभयचर है और जलीय अकशेरुकी की प्राणी हैं। तो ये इसके क्या एग्जाम्पल किसके? शौच जलीय बाह्य निषेचन करने वाले जंतुओं के। तो इसके लिए बस यही ध्यान रखना अपने को, या इसके अंदर क्या होता है कि इन जंतुओं के अंदर चाहे उभयचर हो, चाहे मछलियाँ, चाहे जलीय अकशेरुकी प्राणी हो, इनके अंदर क्या होता है कि शुक्राणु का जीवन काल कम होता जाता है। ये क्या करते हैं कि निषेचन को की संभावना को बनाए रखने के लिए शुक्राणु नर के द्वारा सीधे ही मादा के द्वारा छोड़े गए अंडों के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि अंडों के एकदम नज़दीक छोड़े जाते हैं ताकि निषेचन जो है वो तुरंत हो जाए। दूसरा निषेचन कौन सा होता है? समुद्र जलीय बाह्य निषेचन। अब समुद्र जलीय बाह्य निषेचन की यदि हम बात करें तो इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर जो है विशेष प्रकार का बाह्य निषेचन पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो नर और मादा परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व होने के पश्चात में क्या करते हैं कि वो एक जगह आकर के इकट्ठे हो जाते हैं झुंड में, और झुंड में इकट्ठे होने के बाद में क्या करते हैं शुक्राणु और अंडाणु को एक साथ एक जगह छोड़ देते हैं, जिससे उनमें क्या निषेचन की बहुत प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है या संभावनाएं है वो क्या बनी रहती है? ज़्यादा बनी रहती है। इसमें क्या होता है कि जो कोई भी मादा सबसे पहले जो अंडों का विसर्जन करती है, तो अंडों का जैसे ही वो विसर्जन करती है, मान लीजिएगा एक जगह पर आकर के, तो उस समय क्या करती है वो मादा कि एक विशेष प्रकार के रसायनों का स्त्राव करती है। विशेष प्रकार के रसायन जैसे छोड़े जाएंगे तो क्या होता है कि उसी जाति की अन्य मादाएं भी उस रसायन के यूँ कह सकते हैं कि कीमोटैक्सिस इफेक्ट के कारण, रसायनानुचलन प्रभाव के कारण क्या करती हैं कि वो प्रेरित हो जाती हैं, अन्य मादाएं भी वो भी क्या करती हैं उस स्थान पर आकर के अंडों का त्याग कर देती है। अब देखिएगा सारी मादाएँ आकर के एक स्थान पर अंडों का त्याग करती है, और साथ में क्या होता है कि उस एरिया के अंदर, निश्चित एरिया के अंदर, पानी के निश्चित एरिया के अंदर या समुद्र जल के निश्चित एरिया के अंदर वहाँ पर एक विशेष जाति के अंडों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सारी मादाएं कीमोटैक्सिस इफेक्ट के कारण क्या करती हैं अंडों को छोड़ती हैं वहाँ पर, जिससे एक अंडों का बादल सा वहाँ पर बन जाता है। अब पहला प्रभाव तो ये पड़ा कि एक मादा ने जब अंडे छोड़ने शुरू किए तो कीमोटैक्सिस इफेक्ट के कारण या उस मादा के द्वारा स्रावित होने वाले रसायन के कारण उसी जाति के अन्य मादाओं ने भी वहाँ अंडे छोड़ दिए। दूसरा प्रभाव क्या करता है कि जैसे जैसे मादाएं वहाँ अंडे छोड़ती हैं तो उनके जो रसायन हैं वो उसी जाति के नर को भी आकर्षित करते हैं, और नर वहाँ करके क्या करते हैं उस एरिया के अंदर शुक्राणुओं को छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि निषेचन की जो प्रायिकता है या संभावना है वो क्या रहती है? बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो शौच जलीय जंतु के अंदर क्या होता है कि शुक्राणु का जीवन काल कम होता है, जबकि इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता है, पर फिर भी रिसेशन की संभावनाओं को अधिक बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, ये शुक्राणुमंडलों को एक झुंड के रूप में, एक बादल के रूप में एक स्थान पर आकर के कीमोटैक्सिस इफेक्ट के कारण छोड़ देते हैं, जिसके कारण इनमें रिसेशन की संभावना क्या हो जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ये भी, ये जो समुद्री जलीय जंतु हैं उनकी ये क्या होती है, विशेषताएँ होती है। अब देखिएगा जो दूसरा निषेचन था अपना, आंतरिक निषेचन। तो आंतरिक निषेचन के लिए मैंने बता दिया आपको कि आंतरिक निषेचन करने वाले जंतुओं में क्या होता है कि इन जंतुओं में क्या होता है कि नर के द्वारा शुक्राणुओं को मादा की योनि में छोड़ दिया जाता है या मादा जननांग में छोड़ दिया जाता है, और जो अंडा होता है उसको क्या किया जाता है, या तो अंडवाहिनी के अंदर रख लिया जाता है मादा के द्वारा, या क्या किया जाता है, गर्भाशय के अंदर रख लिया जाता है। और निषेचन जो है मोस्टली तो वैसे तो अंडवाहिनी के अंदर होता है या गर्भाशय के अंदर जब भी होता है, तो वहाँ पर फिर क्या होता है, आगे का परिवर्तन मादा के उसके अंदर गर्भाशय में होता है, या क्या किया जाता है कि निषेचन के बाद में अंडों को शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे उनमें लार्वा अवस्था जैसी कंडीशंस विकसित होती हैं, और फिर वो धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस करके किस्म चेंज हो जाती है, वैसे में चेंज होती है। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो किसमें लागू होती है, आंतरिक निषेचन के अंदर लागू होती है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रियाविधि। अब निषेचन आपको पता होना चाहिए, जैसे अभी तक अपने जो पढ़ा है, निषेचन आपको पता है कि एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया क्यों, क्योंकि प्रत्येक जंतु क्या करता है, अपनी जाति को बनाए रखना चाहता है, और बनाए रखने के लिए क्या करता है, वो निषेचन करेगा। अब निषेचन हमने देखा है कि जैसे अब आंतरिक निषेचन करने वाले जंतुओं में ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर एक जाति के अंदर मादा का संयोग होता है, जिससे निषेचन जो है उसकी संभावना अधिक रहती है। परंतु जो बाह्य निषेचन जंतु जो करते हैं उनके अंदर क्या होता है कि निषेचन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए जंतुओं के द्वारा प्रयास किए जाते हैं, ताकि वो निषेचन आसानी से हो सके। अब देखिएगा कि इस चीज़ से बचने के लिए जो जंतु है वो क्या करते हैं कि अभी आपने देखा कि समुद्री जंतुओं की विशेषता और जो स्वच्छ जलीय जंतुओं की विशेषता होती है, उस हिसाब से वो निषेचन को बनाए रखते हैं या निषेचन को प्रक्रिया को पूरा करते हैं। अब अपना जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिसमें अपने देखेंगे कि निषेचन जो है वो किस प्रकार से संपन्न होता है, जिसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता भी है। निषेचन की क्रियाविधि। अब निषेचन की क्रियाविधि को अगर देखें तो इसको 5 भागों में क्या किया गया, बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया, जिसको अपने थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। तो इसके अंदर देखिएगा सबसे पहला जो है वो है कि शुक्राणु का अंडाणु तक पहुँचना, क्या है, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुँचना। दूसरा है युग्मकों का संपर्क एवं योग्यतार्जन, दूसरी घटना क्या है, युग्मकों का संपर्क एवं योग्यतार्जन। तीसरी घटना एक्रोसोमल क्रिया एवं भेदन। चौथा है अंडाणु का सक्रियन, और 5वां है युग्मकों के प्रवाह केंद्रों का संलयन। तो ये पांचों प्रोसेस जब पूरे होते हैं तो फर्टिलाइजेशन की घटना पूरी हो जाती है और एक जाइगोट का निर्माण अंत में हो जाता है। तो अपने निषेचन की क्रियाविधि को थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये पाँचों घटनाएं घटती हैं। तो सबसे पहले शुक्राणु का अंडाणु तक पहुँचना, तक पहुंचना। दूसरा है एक्रोसोमल युग्मकों का संपर्क एवं योग्यतार्जन। तीसरी जो क्रिया है वो है एक्रोसोमल क्रिया एवं भेदन। चौथा है अंडाणु का सक्रियण। अंडाणु का सक्रियण, और 5वां है प्रो न्यूक्लियस या युग्मकों के प्रवाह केंद्रकों का संलयन। ये पांचों घटनाएं किसके दौरान संपन्न होती हैं? मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन में इनको इंक्लूड किया गया, यानी निषेचन की क्या ये क्रियाविधि है। अब देखिएगा अपने, यदि हम पांचों को देखें कि पांचों के अंदर क्या क्या घटनाएं घटती हैं, थोड़ा सा हम इसको आउटलाइन के हिसाब से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले शुक्राणु का अंडाणु तक पहुँचना, ये पहला प्रोसेस आपको ध्यान ही है कि शुक्राणु जो है वो अंडे तक जाएगा, क्योंकि हमने बात की थी कि अंडा जो है वो एक एचल गोलाकार संरचना होती है, जबकि शुक्राणु जो है वो एक लंबी बेलनाकार पूंछ युक्त गतिशील संरचना होती है, या गतिशील युग्मक होता है, या गतिशील अगुणित कोशिका होती है। तो वो गति करके कहाँ तक पहुँचेगा? अंडे तक पहुँचेगा। इसमें इनकी पूंछ जो है वो सहायक होती है, और जलीय जंतुओं के अंदर जो जल है वो भी क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। तो शुक्राणु अंडे तक पहुँचेगा, पहली घटना तो यही है। दूसरी घटना जो है युग्मकों का संपर्क एवं योग्यतार्जन। अब युग्मक जो हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे बाह्य निषेचन करने वाले जंतुओं में यदि हम देखें तो बहुत तरह के जंतु जल के अंदर पाए जाते हैं, परंतु हम देखते हैं कि उसी जाति का शुक्राणु उसी जाति के अंडे को निषेचित करता है। योग्यतार्जन का मतलब यही होता है, कैप्सिकेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। योग्यतार्जन का अर्थ यही होता है कि निषेचन की विशिष्टता से है। विशिष्टता का मतलब ये होता है कि उसी जाति का शुक्राणु उसी जाति के अंडे को निषेचित करे, क्योंकि हम बाह्य निषेचन करने वाले जंतुओं में कभी ये नहीं होता है कि मान लीजिए मेंढक का अंडा जो है वो जाकर के किसी अन्य जंतु के अंडे को निषेचित कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। मेंढक के अंडे के द्वारा मेंढक के शुक्राणु के द्वारा मेंढक के अंडे को निषेचित किया जाता है। तो ये घटना क्या कहलाती है? योग्यतार्जन कहलाती है। इसके लिए कुछ प्रयोग भी किए गए हैं। एफ.आर. लिली का प्रयोग हमें देखना है कि इसके लिए कीमोटैक्सिस की घटना होती है, ये एक रसायनानुचलन घटना है, जो कैसे होती है वो मैं अभी डिटेल में आपको अभी डायग्रामेटिकली बताऊँगा। इसके अंदर यही है कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों ही जाति विशेष होते हैं, तो वो एक दूसरे को एक रसायनानुचलन क्रिया के द्वारा पहचानते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अंडे के द्वारा एक विशेष प्रकार का रसायन स्रावित होता है जिसको फर्टिलाइजन कहते हैं, और वो फर्टिलाइजन जब स्रावित होता है तो शुक्राणु के द्वारा जो बनने वाला एंटी फर्टिलाइजन है वो भी जाति विशेष होता है, यानी अंडे के द्वारा बनने वाला फर्टिलाइजन रसायन और शुक्राणु के द्वारा बनने वाला एंटी फर्टिलाइजन जाति विशेष होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के द्वारा ये एक दूसरे के मतलब यूँ कह सकते हैं कि समान रासायनिक संरचना के होते हैं, जिसके द्वारा एक दूसरे के नज़दीक अंडे और शुक्राणु क्या हो जाते हैं? आ जाते हैं। तो इस घटना को यानी इन रसायनों के स्त्राव के द्वारा शुक्राणु जाति विशेष से जो अंडे और शुक्राणु होते हैं वो एक तरफ दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है? कौन सी घटना कहा गया है? योग्यतार्जन। तो युग्मकों का संपर्क होना क्या है? एक रसायनानुचलन घटना है, कीमोटैक्सिस घटना है, जिसके लिए अंडे का कौन सा फर्टिलाइजिन और शुक्राणु का एंटी फर्टिलाइजिन रसायन क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। फिर एक्रोसोमल क्रिया है वेदन। अब आपको पता है कि जब शुक्राणु अंडे के संपर्क में आ जाता है तो उसके पश्चात क्या होता है कि जो एक्रोसोम है, अंडे का एक्रोसोम क्या होता है, ये शुक्राणु का एक्रोसोम क्या होता है आपको बताया होता है, बताया हुआ है मेरा। जब हमने शुक्राणु की संरचना जब पढ़ी थी कि शुक्राणु का जो शीर्ष भाग होता है उसके ऊपर एक टोपीनुमा संरचना होती है जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम का निर्माण शुक्राणु पूर्वी कोशिका के गोल्जी का या गोल्जी बॉडी से होता है, और एक्रोसोम के अंदर भेदनकारी एंजाइम पाए जाते हैं, लयनकारी एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे हाइलुरोनिडेज है, एक्रोसोमिन है, लाइसिन है, ये सारे क्या पाए जाते हैं? शुक्राणु के एक्रोसोम में पाए जाते हैं। तो शुक्राणु जैसे अंडे के संपर्क में आता है तो आने के पश्चात में क्या होता है कि जो एक्रोसोम है वो एक्टिवेट होकर के अंडे के अंदर अंडे झिल्ली को गलाने का काम करता है, और जिससे उसके अंदर एक छिद्र हो जाता है या उसके अंदर एक स्पेस बन जाता है जिससे शुक्राणु अंडे के अंदर पहुंच जाता है। दूसरे घटना अंडाणु का सक्रियण। अब जैसे ही शुक्राणु का एक्रोसोम भेदन की क्रिया कर देता है तो अंडे के अंदर कई उपापचय परिवर्तन होने लग जाते हैं, उसके अंदर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया तीव्र हो जाती है। उसके अलावा जो ये कह सकते हैं कि पॉलिस्पर्मी की घटना को रोकने के लिए जो अंडे का कॉर्टेक्स वाला भाग है उसके अंदर भी काफ़ी चेंजेस आते हैं, कुछ कणिकाओं का निर्माण हो जाता है, उसके अलावा पेरिप्लाज्मिक स्पेस भी बन जाता है। तो वो सारे मिलकर के क्या करते हैं? अंडे के अंदर चेंजेस आते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है? पॉलिस्पर्मी जैसी घटनाएं रुक जाती है, ताकि एक ही शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश कर सके, एक से अधिक शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश न कर सके। उसके बाद में क्या होता है कि युग्मकों का प्राकेंद्रकों का संलयन। अब यह माना जाता है कि कुछ जंतुओं के अंदर तो शुक्राणु का शीर्ष और मध्य भाग प्रवेश करता है, कुछ के अंदर ये माना जाता है कि केवल शुक्राणु का शीर्ष भाग अंदर प्रवेश करता है। अब करने के अंडे के अंदर प्रवेश करने के बाद में क्या होता है कि अंडे के अंदर अब दो केंद्रक होते हैं, दो अगुणित केंद्रक होते हैं, एक अंडे का होता है और एक किसका होता है? शुक्राणु का होता है। दोनों फिर एक दूसरे से संलयित हो जाते हैं और मिलकर के फिर 2n सेल का निर्माण करते हैं। तो ये सारी घटनाएं जैसे अब अपने बात करें, सबसे पहले मान लीजिए ये एक अंडा है, ये बहुत सारे क्या है? शुक्राणु हैं। अगर इसको हम डायग्राम से देखें तो सबसे पहली बात तो क्या होगी? ये शुक्राणु कहाँ जाएंगे? इन अंडे तक जाएंगे, अंडे तक जाएंगे तो पहली घटना ये शुक्राणु को अंडे तक पहुंचना। तो इसके लिए चाहे वो आंतरिक निषेचन हो चाहे बाह्य निषेचन हो, इसके लिए फिर जंतु क्या करते हैं कि या तो शुक्राणुओं को मादा की योनि में ट्रांसफर करें या शुक्राणुओं को क्या करें कि नर और मादा के द्वारा शुक्राणु अंडाणु एक ही स्थान पर विसर्जित किया जाए ताकि उनका सलीन हो सके। या क्या हो कि नर जैसे जैसे मेंढक के अंदर हम देखते हैं कि नर जो मादा की पीठ पर बैठ जाता है और जैसे ही मादा अंडों का त्याग करती है उसी समय नर क्या करता है उनके पर शुक्राणु छोड़ देता है। तो ये सारे प्रोसेस हैं जो कि शुक्राणु कहाँ तक पहुँचते हैं, अंडे तक पहुँचते हैं। दूसरा युग्मकों का संपर्क एवं योग्यतार्जन। अब क्या होगा, मान लो यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए ये शुक्राणु एक से अन्य जाति का, ये शुक्राणु एक से अन्य जाति के मान लें अपने। अब क्या होगा कि हमें पता है कि ये शुक्राणु यहाँ तक अंडे तक जाने चाहिए। ये एग है, ये क्या है, स्पर्म है। क्या है ये एग और ये क्या स्पर्म, ये मान लें अपने फ्रॉग एग है, मान लें अपने फ्रॉग एग, ये फ्रॉग स्पर्म है, ये कोई अदर स्पीशीज के क्या स्पर्म है। तो क्या होगा हम देखेंगे कि ये स्पर्म यहाँ तक आने चाहिए, ये स्पर्म यहाँ तक नहीं आए। तो क्या होता है कि इसके द्वारा फर्टिलाइजिन केमिकल स्त्रावित होता है और इनके द्वारा एंटी फर्टिलाइजिन, क्या एंटी फर्टी लाइजिन स्त्रावित होता है। किसके द्वारा, इन शुक्राणुओं के द्वारा, चाहे वो अन्य जाति का हो चाहे खुद की जाति का हो। अब होगा क्या कि फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन यदि इन दोनों की रासायनिक संरचना सेम होगी तो ही वो शुक्राणु उसी अंडे की तरफ आएगा। तो इसका मतलब ये एंटी फर्टिलाइजिन है, यानी एक प्रकार से ये फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन अगर ये जाति होंगी, या यूँ कह सकते हैं कि कीमोटैक्सिस का एक प्रोसेस है, ये एक रसायनों के द्वारा कोशिकाओं में आकर्षण की घटना है ये, क्योंकि फर्टिलाइजन भी रसायन और एंटी फर्टिलाइजन भी क्या रसायन है। तो ये रसायन यदि दोनों जाति विशेष के अगर सेम होंगे तो ही ये अंडा इन शुक्राणुओं को आकर्षित करेगा, इन शुक्राणुओं को आकर्षित नहीं करेगा। तो ये घटना क्या कहलाती है, योग्यतार्जन कहलाती है। और योग्यतार्जन हो गया, यानी योग्यतार्जन का मतलब है एक जाति विशेषता जिसको हम कहते हैं। और योग्यतार्जन की अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसका मतलब यही होता है कि उसी जाति के अंडे के द्वारा उसी जाति के शुक्राणु को अपने आकर्षित करना। तो वो फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजेशन पर डिपेंड करता है। तीसरी घटना क्या है, एक्रोसोमल क्रिया में भेदन। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये शुक्राणु यहाँ आ गया, आने के बाद यहाँ जो एक्रोसोम है इसके अंदर मैंने बताया कि लयनकारी एंजाइम होते हैं, जैसे मनुष्य के संदर्भ में हाइलुरोनिडेज एंजाइम है, एक्रोसोमिन है, लाइसिन है। ये सारे क्या करेंगे कि यहाँ इस अंड झिल्ली को गलाने का काम करेंगे। अंड झिल्ली के अंदर हाइलुरोनिक अम्ल होता है, उस हाइलुरोनिक अम्ल को क्या करते हैं कि ये लाइसिन लयनकारी एंजाइम जो है वो क्या करते हैं तोड़ देते हैं, तोड़ने से यहाँ पर छिद्र हो जाता है। तो ये घटना क्या कहलाती है, एक्रोसोमल क्रिया में विभेदन। हालांकि एक्रोसोमल क्रिया और विभेदन से पहले हम बात करेंगे कि इसके अंदर जो है जो अंडा होता है उसके चारों ओर एक निषेचन झिल्ली का निर्माण भी होता है, एक फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन का निर्माण भी होता है। वो कैसे होता है अपने आगे डायग्रामेटिकली देखेंगे। उसके बाद में तीसरी घटना अंडाणु का सक्रियण। अब क्या होगा कि एक्रोसोमल क्रिया भेदन में फिर क्या होगा कि शुक्राणु ने भेदन की क्रिया कर दी। अब शुक्राणु का जो क्या होता है कि शीर्ष भाग जो अंदर प्रवेश कर जाता है, पूंछ बाहर रह जाती है ऐसा माना जाता है। और तीसरी घटना चौथी घटना के अंडाणु का सक्रियण। अब क्या होगा कि अब यहाँ पर शुक्राणु बहुत सारे होते हैं। अब जैसे ही भेदन की क्रिया शुरू होगी, शुक्राणु का केंद्र के अंदर प्रवेश कर गया तो क्या होता है कि अंडे का जो ये साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर उपापचय चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, कलर चेंज हो जाता है, इसके अंदर कणिकाओं की संख्या जो वेजाइकल संघ की संख्या बढ़ जाती है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस का निर्माण हो जाता है। उसके अलावा जो पॉलीस्पर्मी है उसको रोक दिया जाता है ताकि एक से अधिक शुक्राणु अंदर प्रवेश न करके केवल एक ही शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश कर सके। तो ये घटना क्या कहलाती है, अंडाणु का सक्रियण। वो कैसे होता है अपने पूरा डिटेल में आगे देखेंगे। फिर युग्मकों के प्रकेंद्रकों का संलयन। अब क्या होगा कि ये अंडे का केंद्रक है और ये शुक्राणु का केंद्रक है, ये एक दूसरे की तरफ एक निश्चित पथ को फॉलो करते हुए या एक निश्चित पथ से ये एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, आकर के दोनों का संलयन हो जाता है। तो वो घटना क्या कहलाती है, युग्मकों के प्राकेंद्रकों का संलयन। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये होता है कि ये पांच प्रोसेस जो है वो निषेचन की क्रिया विधि में संपन्न होते हैं, जिनको अपने पांचों डिटेल में विद डायग्रामेटिकली डिस्कस करेंगे। जिसके अंदर एक एफआर लिली का जो कीमोटैक्सिस इफेक्ट है जो कि कैप्सिकेशन यानी योग्यतार्जन में लागू होता है उसको अपने देखेंगे। थैंक यू।